दिखा दिखा के पी रहे दोनों। मैं खाने के लिए जी रहा था, अभी जीने के लिए। वेरी गुड। सभी चाय भाई पी लिए, मार्केट निकलने वाले थे, लेकिन मीनाक्षी बोली कि आज छुट्टी है, मतलब आरव को ट्यूशन से जाके लाना पड़ेगा। टाइम हो गया 6:25, 6:30 को छुट्टी होता है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है उसका ट्यूशन, सो जाके वहाँ से आरव को लेके आना पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम, जो भी मार्केट में मस्ती करना। सो रात में आप लोग मोटो ब्लॉग नहीं देखे होंगे, तो अभी जाते हैं आरव को लेके आते हैं एंड मोटो ब्लॉग के कुछ शॉट देखेंगे आप रात में हड़तोड़ा का नज़ारा। सो चलते हैं आरव को ट्यूशन से लाने के लिए। टाइम एग्जैक्टली हो गया है 6:35 हो गया है, जबकि 6:30 बजे उसका ट्यूशन छुट्टी होता है। अपने मैडम के घर पे रुका होगा, मेरे को भी पता नहीं है ना, क्योंकि डेली मीनाक्षी वो शायद लाती है आरव को। सो रात का मोटो ब्लॉग पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो रात में कैसा नज़ारा आ रहा है मेरे को भी पता नहीं है। होप कर रहे हैं GoPro 7 अपना काम कर रहा होगा, एंड सुने लो लाइट परफॉर्मेंस इसका भी बढ़िया है। और अभी रात में मोटो ब्लॉग करने का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। यह है कि लो लाइट एक तो नुकसान है, लो लाइट में इतना क्लैरिटी नहीं होगा फुटेज में। प्लस पॉइंट यह है कि धूप नहीं मिलेगा, मेन चीज़ है। एंड और एक प्लस पॉइंट है कि रात में लाइट वगैरह सब दुकान का जब लगेगा, मार्केट के अंदर से मैं जाऊँगा, तब इसका नज़ारा कुछ अलग होगा। सो देखते हैं, मैं भी पहली बार रात में ये मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, मैं भी फुटेज का वेट करूंगा, फुटेज देख के बताएंगे कैसा है। यहाँ पे अक्सर चेक होता है, एक बढ़िया सी बात भी हुआ कि हेलमेट पहन के आए तो डर नहीं है, नहीं तो अक्सर फाइन करता है यहाँ पे। तो आप सबका स्वागत है और एक मोटो ब्लॉग में, एंड वो भी हाड़तुटा के अंदर, एंड दिस इज़ द हार्ट ऑफ तालचेर। एंड ये देखो अभी लाइट वगैरह सब ऑन हो चुका है, इसलिए नज़ारा कुछ अलग दिख रहा होगा, दिन में नज़ारा कुछ अलग है। सो सब लोग जा चुके होंगे ऐसा तो लग रहा है। आ गया फाइनली, 10 मिनट के बाद आरव आ गया। सही किया ना सब, और रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सब सही किया। तो चले, 10 मिनट हो गया वेट कर रहा हूँ। फोन साथ हो गया है एंड आरव आ चुका है, चलते हैं आरव। आज एक दिन मेरा ड्यूटी लग गया आरव को ट्यूशन से लेने के लिए, बाकी टाइम तो मीनाक्षी कर रही है। इज्जत देना सीखो भाई, कोई साइकिल वाला हो या स्कूटी वाला हो या स्कूटर वाला हो, कोई भी हो, अगर इज्जत नहीं दोगे तो फिर ऑडी में बैठने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अरे गधे की तरह गाड़ी चला रहे हैं, वो इधर उधर नहीं देगा, सीधा गाड़ी को टर्न कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं एजुकेट बनो, ना कि गवारों की तरह रट के पास करो, एजुकेट बनो, इज्जत देना सीखो सबको। और मैं बोल रहा था ना सुबह, ये सब है सिविल डिफेंस तालचेर, ये लोग हैं जब भी गाड़ी जो भी साइड में इलीगली वे में खड़ा करता है तो उन लोगों के लिए फाइन काटते हैं। सो अलग सा पार्किंग भी बना है, बड़ा सा पार्किंग बना है, लेकिन उधर कोई खड़ा नहीं करता है, क्यों वो थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा अंदर मतलब 100 मीटर ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा मेन मार्केट से, 100 मीटर फिर भी लोग जाना नहीं चाहते हैं, मतलब जिस दुकान से ख़रीदेंगे उस दुकान के सामने रखेंगे गाड़ी। लोगों को ये भी सुविधा चाहिए, हर कुछ फ़ायदा चाहिए लोगों को, इसीलिए अच्छा कर रहे हैं। ये जो स्टेप अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, बढ़िया सा स्टेप लिया है, क्योंकि उन लोगों के चक्कर में, एक गाड़ी के चक्कर में पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, और वो लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग किसी दुकान में बैठ के एसी में खरीद रहे होंगे, लेकिन उन लोग के चक्कर में यहाँ पे लोग, बच्चे सब, किसी का इमरजेंसी होगा वो भी खड़ा रहेगा, एम्बुलेंस भी खड़ा रहता है। सो दैट इज़ ए बैड मैनर, एंड हम लोग को सुधरना भी चाहिए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो,
हम लोग तो कभी नहीं करते हैं। A few moments later. So, शिवा भाई का कंप्लेन था, दुकान में नहीं आ रहा हूँ। हाय हाय, इससे पहले आया था, सुबह आया था, आप बिजी थे, मैं चला गया। समझ रहे कि नहीं, काहे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। नहीं नहीं, तो टुकुर टुकुर देखना पड़ेगा। अरे हम आए थे, वो ब्लॉग देख लीजिएगा, मैं इधर से चला गया। और वो जो किस्सा हुआ अमेजन वाला किस्सा, भाई ने मंगाया था कौन सा सर्फ एक्सेल, एंड आज का जो सरप्राइज पैकेज है, हेलो हेलो, ये 5-6 दिन कम से कम हो गया, 5-6 दिन हो गया ना, 6 दिन हो गया नहीं था हाड़तोटा में क्या तालचेर में नहीं था, कुछ मेडिकल इशू था। तो अभी ठीक है ना भाई? अभी ठीक है, बैक पेन हो रहा है थोड़ा, एंड बाकी सब रिपोर्ट वगैरह सब ओके है, सब ओके। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, शिवा भाई चीतू और मैं भी जब मिल बैठेंगे तीन यार, चीतू शिवा भाई और मैं, लेकिन बैग पाइपर नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा चाय या कॉफी होगा। सो चाय तो ये इसका सब बंद, मतलब इतना दबा के खाया है बंदा, तो अभी सब कुछ बंद, सिर्फ रोटी के साथ कुछ सब्जी, क्या बोलते हैं, भेज खा रहा है। आश्रम ज्वाइन कर लिया। इससे क्या बोल, इससे पहले क्या बोल रहा था, घास भूसा मुझे बोल रहा था ना, अभी एडजस्ट कर ले घास भूसे में। सो लेकिन शिवा भाई मैं चाय तो पियेंगे, क्यों भाई पियेंगे ना, चलो। ये क्या करेगा, देखेगा हमको, लेकिन सबसे स्पीड लेकिन सबसे तेज कौन चाय पीता है हमारे तीनों में से, तो। सबसे तेज पीता है, लेकिन अभी पिएगा नहीं। इसको डालो, इसको डालो, इसको डालो। तो किस्सा भाई सुना रहे हैं YouTube वाला, ऐसे हम लोग पोस्ट क्रिएटेड सीन वाला, हम मेरा और चीतों का जो शूट किया थे, तो उसके चक्कर में शिवा भाई भी कुछ सुना रहे थे। एक बंदा गया कुछ हीटर में, वो ये डालो वो डालो बना के डिश बना दिया, लेकिन वो लास्ट फाइनली जब डिश रेडी हो गया, बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, डॉक्टर मना किया, इसी में सूंघ रहा हूँ। तो मेरा भाई का कंडीशन कुछ ऐसा है, इसीलिए वाला सुना रहे हैं शिव भाई। सो बेचारा क्या करेंगे, सूंघ के काम चला। मंदिर में कहीं भी प्रसाद लगेगा तो मुझे दिखा, अभी सूंघ के काम चला, सूंघ के काम चला लगा। हम चाय पियेंगे, हमारा चुस्की सुन के चला लगा, हम चाय का चुस्की लेंगे, लेकिन फील करेगा भाई। सो इसीलिए अब सुनना पड़ेगा, बहुत ऐसा कांड किया है ना पहले से। शिवा भाई मुझे मोटिवेट किए थे, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, क्यों नहीं डाल रहे, इसलिए अभी ब्लॉग डाल रहे हैं, एंड देखते हैं। डेली ब्लॉग में तो आप लोग को झेलना पड़ेगा कॉन्टेंट जो भी आएगा। सो चाय का चुस्की अभी। दिखा दिखा के पी रहे दोनों, तो मजा उठा रहे हैं, लेकिन कैमरा के पीछे मेरा भाई है जो चाय के साथ, एंड बाहर मौसम आज सही है, हवा चल रहा है, तो चाय का एंजॉय कर रहे हैं। ले भाई चाय ले, नहीं भाई चाय अभी नहीं, अभी टाइम है चाय के लिए, थोड़ा तो। तो अभी हम लोग वहाँ पे खड़े थे, तो कुछ लोग थे तो बिना मास्क में काँस रहे थे, तो इसीलिए हम लोग आ गए थोड़ा प्रजा मंडल की तरफ। सो अभी कुछ खा नहीं पा रहे, पीछे गए थे खाने का दुकान बहुत सारा था, लेकिन खाने लायक चीज कुछ नहीं था, तो अभी जा रहे हैं और एक दुकान है वहाँ पे कॉर्न खाने के लिए। कॉर्न नहीं बोला, लेकिन आइसक्रीम से कम चला रहे। तो 9 बज गया एग्जैक्टली, 9 हुआ ही नहीं है, 5 मिनट बाकी है, फिर भी देखो मार्केट बाजार धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो चीतू का मेडिसिन का टाइम भी हो रहा है, तो जाना पड़ेगा, क्या करें। तो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क किए थे, लेकिन देखो अंधेरा हो गया पूरा, बंद दुकान बाजार, सिर्फ शिव भाई का दुकान खुला है। अरे वो भी बंद करके चले गए, शिव भाई का दुकान बंद करके चले गए, लेकिन दूर से मुझे लगा ये सैलून खुला है, तो शिव भाई का खुला हुआ, अक्सर वो दुकान लेट में बंद करते हैं, कुछ काम होगा चले गए होंगे। सो देखो धीरे धीरे मार्केट बाजार बंद। तो चीतू पीछे शायद कोई है उसके जान पहचान का, वो वहाँ पे बात कर रहा है। तो अभी 9 बजा है, तो घर जाना पड़ेगा, अक्सर हम लोग लेट से जाते हैं, लेकिन आज लेट से नहीं जाएंगे, चीतू को मेडिसिन लेना है, मेरे को भी कुछ काम है। A few moments later. तो एग्जैक्टली 9:30 हो गया है, चीत शिवा भाई जा चुके हैं, लेकिन मेरे को कुछ सामान लेना था। सो ब्लॉग को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि बहुत जल्दी ब्लॉग आएगा, मिलते हैं कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सो वहाँ पे वो फास्ट फूड का दुकान लगा है। इसको भूख लगा है। बेचारा कर नहीं पा रहा है कुछ, मन तो है खाने का, लेकिन क्या करे, हो गया ना पोपट। मैं खाने के लिए जी रहा था, अभी जीने के लिए। वेरी गुड।